नक्सली संगठन भाकपा माओवादी का रीजनल कमेटी का सदस्य दुर्योधन महतो उर्फ मिथिलेश सिंह उर्फ बड़ा बाबू उर्फ बड़का दा रांची में झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के समक्ष शुक्रवार यानी आज सरेंडर कर दिया है। सरेंडर नक्सली मिथिलेश सिंह पर 15 लाख रुपए का इनाम घोषित है। नक्सलियों को मुख्यधारा में जोड़ने के लिए ऑपरेशन नई दिशा का असर दिख रहा है। नक्सली मिथिलेश सिंह पर 15 लाख रुपए का इनाम घोषित। धनबाद के तोपचांची स्थित गिरनावाड़ी का रहने वाला नक्सली मिथिलेश सिंह 15 लाख का इनामी नक्सली है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ऑपरेशन नई दिशा से प्रभावित होकर मिथिलेश ने सरेंडर करने का मन बनाया। इसके बाद पुलिस अधिकारियों के संपर्क में आया। इसी के तहत शुक्रवार 10 फरवरी 2023 को नक्सली मिथिलेश सिंह ने पुलिस के समक्ष सरेंडर किया। झुमरा और लुगु पहाड़ क्षेत्र का चर्चित नाम है मिथिलेश सिंह। बता दें कि रीजनल कमेटी सदस्य मिथिलेश सिंह कई दशकों से लुगु पहाड़ और झुमरा पहाड़ में रहकर संगठन के लिए काम कर रहे थे। पुलिस के समक्ष सरेंडर करने के बाद मिथिलेश सिंह ने कहा कि वह लंबे समय से मुख्यधारा से जुड़ने की सोच रहे थे। आज जितने भी नक्सली और माओवादी हैं, सभी को सरकार की आत्मसमर्पण नीति के बारे में विचार करना चाहिए। आने वाले समय में युवाओं को इन संगठनों से नहीं जुड़ना चाहिए। सभी हमारे आज जो प्रेस के यहाँ मीडिया बंधु है, साथी है, आज के इस विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं झारखंड पुलिस और झारखंड सेक्टर सीआरपीएफ की ओर से आप सबका यहाँ पर स्वागत करता हूँ। और जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि आज का दिन जो है झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के लिए एक काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज जो है भाकपा माओवादी संगठन के शीर्षस्थ कमांडर 15 लाख के इनामी रीजनल कमांडर मिथिलेश सिंह उर्फ दुर्योधन महतो उर्फ बड़कादा के द्वारा जो है झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के पदाधिकारियों के समक्ष आज आत्मसमर्पण किया जा रहा है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।